जिससे कि एक मिशन सफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे, हमने अपनी पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि लैंड मॉड्यूल निश्चित तौर पर चंद्रमा के सतह पर सेफ और साफ जमीन पर जो है चंद्रयान वो दिखा। सभी दर्शकों की जानकारी के लिए अब हम इसरो के अब तक के सभी लूनर मिशन की संक्षिप्त विवरण अलग लगभग 370 किलोमीटर 36 दिशा में चल चुका है। ये तो खड़ी है, खड़ी हो। द मिशन ऑपरेशंस टीम इज एनालाइजिंग द डेटा। अरे वो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। वी कैन ऑल सी द सीरियसनेस एंड द कंसंट्रेशन विद व्हिच ईच एंड एवरी पैरामीटर ऑफ द लैंडर मॉड्यूल इज बीइंग एनालाइज्ड। द परफॉर्मेंस सो फार सीम्स टू बी नॉमिनल। चूंकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलीनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। ड्यूरिंग द एंटायर डिसेंट देयर इज नो ग्राउंड इंटरवेंशन as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics is currently 12 km, is currently 22 km, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the drop 120 meter per second हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 meter per second velocity को कम किया, just 17.8 kilometer from the चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। 10 किलोमीटर? जी हाँ, हम अपने बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अब के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेस में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Till now, the performance has been on the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards the landing site. ये तो है सबसे important. अरे ठीक है बैठ पूरे पूरे बैठ एक सेकंड रुक जाओ। ये मून है। जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। वो वाला आसमान इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अरे ब्लैक होल में अगर चला जाता तो कैसे जाएगा? वो लिख छोटे छोटे हैं। अरे ब्लैक होल में वो अलग है कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। छोटे छोटे के हैं, बहुत बड़ो थे। वी आर अप्रोचिंग द वर्टिकल डिसेंट फेज 2, व्हिच विल हैव द लैंडर मॉड्यूल होवरिंग एट नियरली 150 मीटर्स अबाउट द लूनर सरफेस। जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के
द्वारा की जा रही है। रूस ने बोला कि वो पहुंचेंगे पहले। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. 65 मीटर के आसपास बची हुई है। धीरे धीरे लैंडर लैंडर मॉड्यूल जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman Isro.